हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनादर डिया जिसमें मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा वाटर फाउंटेन शेयर करने वाली हूँ एंड जिसे मैं बनाने वाली हूँ कम्प्लीटली वेस्ट चीज़ों से तो इस तरह का एक कार्डबोर्ड यानी कि जो स्टिकर होता है उसका रोल है मेरे पास और ये एक बॉटल है और कुछ कार्डबोर्ड का यूज़ करके आज मैं एक वाटर फाउंटेन बनाने वाली हूँ एंड सबसे पहले हम यहाँ पर एक मेजरमेंट कर लेंगे कि कितने साइज़ का हमें ये कार्डबोर्ड चाहिए यानि कि वाटर फाउंटेन चाहिए तो उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड uh, स्टिक कर ले रही हूँ एंड अब हमें चाहिए कुछ स्ट्रिप्स तो यहाँ पर एक से डेढ़ इंचस के मैंने कुछ स्ट्रिप्स यहाँ पर निकाल लिए हैं एंड कुछ छोटे बड़े स्ट्रिप को लेने के बाद अब यहाँ पर जो हमें साइज़ का कार्डबोर्ड है इस अकॉर्डिंग ये स्ट्रिप हम लगा कर लेने वाले हैं मतलब जिस साइज़ का हमें चाहिए फाउंटेन उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कट करी हैं और अब हम एक साइड पे ना ये लंबी वाली स्ट्रिप लगाना स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट एक इंच का हमें इसका थिकनेस जो है बढ़ाना है और अब साइड से भी मैंने कुछ स्ट्रिप्स लगा लिए हैं छोटे वाले अब यहाँ पर मैंने एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप ले ली है और ये काफ़ी लंबी है क्योंकि इससे ना हम ये जो रोल था स्टिकर का यानी कि जो सेलोटेप का रोल होता है ना उसके ऊपर स्टिक करने वाले हैं तो अभी मैं इसके ऊपर फेविकॉल अप्लाई करके ना इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट करने के बाद ही स्टिक करने वाली हूँ इससे जो ये कार्डबोर्ड रोल जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये हम लगाने वाले हैं जो हमने स्ट्रिप कट करी थी वहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हम इसे प्लेस करने वाले हैं बट ऐसे ही प्लेस करेंगे तो ये अच्छे से स्टडी नहीं रहेगा तो यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगाने वाली हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है मतलब आपको प्रोसीजर थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट लग रहा है मगर आप इसे अगर बनाना चाहते हो ना तो बहुत इजीली बना सकते हो बट अब इसको अच्छा सा स्टडी करने के लिए ये छोटे छोटे जो स्ट्रिप मैंने और कट करे हैं एंड इसको अब मैं लगाते जाऊँगी अब ये जो छोटी सा कार्डबोर्ड रोल था इसे भी थोड़ा सा स्टडी करने के लिए छोटी सी मैंने स्ट्रिप लगा दी है यहाँ पर और इसे भी ना ग्लू के मदद से हम अटैच कर देंगे एंड अब बारी आती है इस सारी चीज़ को ना अच्छे से रैप करने की तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टिश्यू पेपर आपके पास न्यूज़पेपर या फिर ब्राउन पेपर है आप उससे भी ये काम कर सकते हैं तो टिश्यू पेपर फटाफट लगाने में आसानी होती है इसलिए मैंने टिश्यू पेपर लिया है आपके पास न्यूज़पेपर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं तो इसे लगाने के लिए हमें चाहिए ग्लू और वाटर का मिक्सचर और इसकी हेल्प से ना ये जो पूरा कार्डबोर्ड है इसे मैं कवर करने वाली हूँ अब इसका जो मिक्सचर बचा है इसी में मैं ऐड करने वाली हूँ वाइट सीमेंट तो आज के इस क्राफ्ट को यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइट सीमेंट आपके पास अगर वाइट पुट्टी है या फिर वॉल पुट्टी उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं बट वाइट सीमेंट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग रहता है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ और बस इसका हमें ना कुछ सख्त सा डो लगाना है मतलब फेविकॉल और पानी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और काफ़ी स्ट्रांग हम यहाँ पर डो बना लेंगे एंड मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसका थोड़ा सा हाइट और होना चाहिए इसलिए मैंने दो तीन कार्डबोर्ड और ले लिए हैं एंड उसी से मैं इसे ना थोड़ा सा थिक करूंगी एंड अभी ये पूरा स्ट्रक्चर मैं इसके ऊपर स्टिक करने वाली हूँ एंड इसका प्रोसेस आप देख ही रहे होंगे काफ़ी सिंपल है बट हाँ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है अब जो मैंने वाइट सीमेंट से क्ले बनाई थी उसको मैंने छोटे छोटे इस तरह से ना स्टोन की जैसे शेप दिया है यानी कि गोल गोल बनाना है आपको सिर्फ और फेविकॉल की मदद से आप इसे स्टिक कर दें और ये जो हमने पूरा जो टिश्यू पेपर से कवर किया है ना उस एरिया को हमें इस तरह से ना छोटे छोटे स्टोन्स लगा कर आ, इसे कम्प्लीट कर लेना है तो एक्चुअली हम ये वाटर फाउंटेन बनाने वाले हैं तो जैसे कि वहाँ पर स्ट्रक्चर होता है ना स्टोन्स वगैरह यानी कि थोड़ी बहुत लीव्स वगैरह वो सब हम चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं एंड ये रहा इसका फाइनल लुक मतलब कि इसे ड्राई होने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था अब थोड़ा सा हम करने वाले हैं इसके ऊपर क्ले वर्क जिसके लिए मैंने मोल्डेड क्ले इक्वल क्वांटिटी में ही लेकर अच्छे से मिक्स कर ली है एंड इससे एक डो प्रिपेयर कर लिया है अब इससे ना हम बहुत ही छोटी छोटी डिटेलिंग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं और एक्चुअली इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड करने में ना काफ़ी टाइम लगता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट ट्रस्ट uh, मी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो यहाँ पर मैं मुझे बाद में लगा कि इस सर्कल पे ना कुछ ना कुछ और स्टोन्स ऐड करना चाहिए तो मैंने क्ले की हेल्प से कर दिए यानी कि मैं कल भूल गई थी वाइट सीमेंट से बनाना तो आज मैंने क्ले की मदद से बना लिए एंड और थोड़ा सा ना क्ले का पोर्शन लेके बहुत ही पतली से मैंने स्ट्रिंग बनाई है एंड उसे हम फेविकॉल की मदद से अटैच कर देंगे ये जो सर्कल है इसके ऊपर एंड जो भी हमने ये स्टोन का पैटर्न बनाया है ना इसके ऊपर भी लगाने वाले हैं बट uh, इसके पहले ना कि आपको कुछ और भी डिटेलिंग ऐड करनी पड़ेगी लाइक uh, थोड़े से फूल पत्ती बहुत सारी चीज़ें इसमें अगर आप ऐड करोगे ना तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा तो यहाँ पर जो सुपर क्ले के साथ ये टूल मिला था ना उसकी हेल्प से मैं लीव बना रही हूँ छोटे छोटे और यहाँ मुझे जहाँ जहाँ लगेगा कि इसे लगाना चाहिए तो उस जगह पर मैं लगा लूँगी यानी कि छोटे छोटे फूल मैंने बनाए हैं एंड कुछ पत्तियाँ एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे दो दिन लगे हैं और समर डेज है इसलिए शायद से दो दिन में ये कंप्लीट हो गया क्योंकि मतलब हर एक चीज़ को बनाना ड्राई करना इसमें टाइम लग जाता है और अगर आप इसे कोई और सीजन में बना रहे तो शायद ये और टाइम टेकिंग हो सकता है ओके okay, फाइनली जो क्लेवर था वो कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं यहाँ पर ना और एक छोटी सी डिटेल ऐड करूँगी लाइक यहाँ पर मुझे कोई मटका वगैरह चाहिए था छोटा सा मेरे पास वो था नहीं तो ये एक्रेलिक की जो बॉटल है तो इस एक्रेलिक बॉटल को मैंने अच्छे से वॉश करके ना इसके ऊपर क्ले लगा दी है और इसको मतलब हाइट करना है बेसिकली ये बॉटल नहीं लगनी चाहिए और अब मैं इसे स्टिक कर दूंगी ये जो सर्कल है इसके ऊपर तो यहाँ पर अगेन मैंने थोड़ा सा मोल्डेड क्ले बचा था तो इसको यूज करके ना इसे स्टिक कर दिया है और अच्छे से ना मतलब आपको क्ले लगा कर इसे फिक्स करना है एंड फाइनली सारा जो क्ले वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स अब इसे पेंट करने वाली हूँ यूजिंग ब्लैक एक्रेलिक कलर तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रश में पानी लेना है और इस तरह से हमें लगाते जाना है और बाद में हम कलर अप्लाई करेंगे इससे होगा क्या ना कि आपका जो एक्रेलिक कलर है वो काफ़ी बचेगा मतलब कि पुट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा सा कलर ऑब्जॉर्व कर लेती है तो उसके लिए आपको ना सबसे पहला ब्रश जो है ना इसके ऊपर पानी का लगाना है एंड देन आप कलर यहाँ पर लगा सकते हैं तो सारा एरिया मैं कवर कर दूँगी यूजिंग ब्लैक कलर एंड इसे थोड़ा पाँच मिनट के लिए ड्राई कर लेंगे एंड देन जो ब्राउन कलर है उसकी मदद से मैं यहाँ पर ना हल्के हल्के हाथों से लगाते जा रही हूँ मतलब बहुत ज़्यादा कलर अप्लाई नहीं करना है और जैसे जैसे आप कलर को ना हल्के हल्के बिल्डअप करोगे ना तो उसका टेक्सचर बहुत अलग आता है तो इसलिए आप पहले से ही बहुत ज़्यादा कलर ना लें थोड़ा थोड़ा कलर यहाँ पर बिल्डअप करते जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा अब यहाँ पर मेरे पास सिल्वर कलर नहीं था तो मैं यहाँ पर ना एक लैवेंडर मतलब एक्रेलिक पर्ल कलर है मेरे पास जो कि शाइन कलर होता है तो उसको थोड़ा सा मैंने लगा दिया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था अब इसके बाद मैंने गोल्ड एक्रेलिक कलर लेके ना हल्के हल्के स्ट्रोक लगाना स्टार्ट कर दिया है अब इसी से हम इस पूरी बॉटल को भी कवर कर लेंगे यानी कि ब्लैक एंड गोल्ड का मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन करूँगी इस बॉटल के ऊपर एंड जहाँ जहाँ मुझे लगेगा वहाँ पर मैं बस ड्राई ब्रश की मदद से ना एक्रेलिक कलर अप्लाई कर रही हूँ एंड एक्चुअली अभी ये लास्ट प्रोसेस होने वाला है इस वाटर फाउंटेन का वो भी है फ्लास एंड लीफ को कलर तो जो जो फ्लावर्स हैं उनको मैंने ऑरेंज एंड और थोड़े से डार्क पिंक कलर में यानी कि पीच कलर में मैंने यहाँ पर पेंट कर दिया है एंड ये जो हमने बेल वगैरह बनाई थी तो उसे हम पेंट करेंगे डार्क ग्रीन कलर के साथ तो इसका प्रोसेस इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे ये बनाने में क्योंकि जैसे जैसे हम ये कलर वगैरह अप्लाई करते जा रही थी तो इसका जो लुक था वो बहुत अच्छा आ रहा था सो लेट्स एंजॉय दिस प्रोसेस विथ म्यूजिक तो लग रहा होगा कि वाटर फाउंटेन तो बना रहे हैं बट वाटर है इसमें तो चलिए इसके लिए जगह बनाते हैं जो ये खाली पोर्शन था वहाँ पर मैं सबसे पहले वाइट कलर लगाऊंगी एंड देन हम स्काई ब्लू कलर के साथ इसे पेंट कर लेंगे तो डार्क ब्लू कलर आप लोगे तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा और फिर मैंने एक छोटे ब्रश में ना वाइट कलर को लेके इस तरह से डैब डैप करते हुए ना इस तरह से वाटर का एक इफेक्ट बनाकर लेंगे एंड फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर छोटी सी फिश भी हम निकालें तो जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर येलो एंड ब्लैक कलर ये दो तीन कलर को ही मैं यूज़ करने वाली हूँ एंड बहुत ही छोटे छोटे फिश हम बना कर लेंगे थोड़ा बहुत और इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से भी डैप कर दिया है एंड अब यहाँ पर मैंने ग्लूगन की हेल्प से ना यहाँ पर दो तीन स्ट्रिप्स बनाकर लेने वाली हूँ मतलब जो ये वाटरफॉल हमने बनाए हैं ना इसके ऊपर जो हमने बॉटल लगाई है इसके अंदर ये हम स्टिक करने वाले हैं तो इसे भी मैं स्टिक करने के लिए ग्लूगन का ही यूज़ करने वाली हूँ एंड ये रहा इसका कंप्लीट एंड फाइनल लुक एंड आपको ये वाटरफॉल आइडिया कैसा लगा है एंड ये प्रोसेस जो मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करी है आपको कैसा लगा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड हाँ आपके फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको कौन सा वीडियो अच्छा लग रहा है और इस वीडियो को भी आप लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि इसी तरह से मैं ढेर सारे वीडियो आपके साथ शेयर करूँ इट्स फॉर टूडे गाइज मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टी आई वे के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय